तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों हमारे हाथों में इस तरह से रोमटे यानी गोजबम्स क्यों खड़े हो जाते हैं और क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से इस तरह से सिलवटें आ जाती है और क्या लड़कियों के बूब्स दबाने से उनके बूब्स का साइज बढ़ जाता है। इन सभी चीज़ों का जवाब इस वीडियो की तरह शॉकिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर वन, दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में हाथ डाल के रहते हो तो आपके हाथों में और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करके बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती है। जब हमारे हाथ पर गीले होते हैं तब ये सिलवटें हमें चीज़ों को पकड़ने में मदद करती है। अगर ये सिलवटें नहीं पड़ेंगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। नंबर टू, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कई सिचुएशन में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, यानी हमें गोजबम्स क्यों आ जाते हैं? जब आप एक अच्छी डरावनी मूवी देख रहे होते हो या फिर बहुत शोर हो रहा होता है या आप बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हो, ऐसी सिचुएशन में आपके बॉडी में एक एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब आपको किसी तरह का स्ट्रेस होता है या घबराहट बढ़ती है तब ये रिलीज होता है, और जब ये हार्मोन अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तब आपको रोंगटे यानी गोजबम्स आ जाते हैं। नंबर थ्री, दोस्तों बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है या फिर वो ऐसे सोचते हैं कि क्या लड़की के दबाने से उनके बूब्स बड़े होते हैं या फिर क्या उसने सेक्स किया है या इसी वजह से उनके बूब्स का साइज कम या बढ़ जाता है। क्या आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है? दोस्तों बहुत से लोग और खासकर तो बॉयज में ये बात ज़्यादा होती है कि अरे इसके तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसका मतलब है कि इसने तो सेक्स किया हुआ है या फिर इसका पार्टनर इससे बहुत मजे देता होगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेस करने से या फिर बूब्स को सक करने से या फिर उनको टाइट ड्रास पहनने से या फिर उनको दबाने से उसका साइज कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। द ओनली वे टू इंक्रीज योर साइज ऑफ बूब्स इज सर्जरी, या फिर आपको ये समझना है कि बूब्स का जो साइज है वो हर किसी का डिफरेंट है, हर किसी का बॉडी है, या फिर किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब साइज में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ प्रेस कर रहे हैं या फिर सक कर रहे हैं या फिर बाइट कर रहे हैं उससे हो जाए, ऐसा डेफिनेटली नहीं है।